नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको कक्षा 6 का पाठ 7 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है साथी हाथ बढ़ाना। तो चलिए देखते हैं इसके अंतर्गत क्या है। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें। साथी हाथ बढ़ाना, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी ये। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता ने। साथी हाथ बढ़ाना, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसास बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना, इस कविता की रचनाकार है साहिर लुधियानवी। चलिए देखते हैं इसके अंतर्गत क्या है। यह एक गीत है। यहाँ पर बताया गया कि साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ का बढ़ाने का मतलब है यहाँ पर एक दूसरे की सहायता करना। और एक दूसरे की सहायता कब हो सकती है, जब हम किसी दूसरे को देखें थका हुआ तो हम उसकी क्या करें, सहायता करें, हेल्प करें। तो यहाँ पर यही बताया गया कि एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। यदि एक व्यक्ति किसी काम को करे तो वो अकेला करेगा तो क्या हो जाएगा, वो थक जाएगा काम करने के बाद। और इसलिए हमें क्या करना चाहिए, मिलकर बोझ उठाना। इस कार्य को क्या करना चाहिए, मिलकर करना चाहिए। और इसीलिए हमें क्या है, उसकी सहायता करनी चाहिए। फिर बताया कि हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। क्या बताया है कि हम मेहनत करने वाले हैं, परिश्रमी हैं, और जब हम मिलकर एक काम को करने की सोच लें संगठन में, क्योंकि शक्ति होती है तो मिलकर कदम बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। जो समुद्र है वह भी हमारे लिए क्या करेगा, रास्ता छोड़ देगा, अर्थात हम समुद्र को भी पार कर सकते हैं। पर्वत ने शीश झुकाया और हमारी मेहनत के सामने पर्वत की भी क्या करेगा, शीश झुकाएगा, अर्थात हमें नमन करेगा। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, और हमारा जो सीना है वह कैसा है, फौलादी है, मतलब हिम्मत वाला, साहसी है। और बाहें भी क्या है, बहुत हिम्मत वाली हैं, क्योंकि हम अपनी बाहों से कितना काम करते हैं उसके बाद भी हमारी बाहें थकती नहीं है, जो हमारी भुजाएं होती हैं। हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें। यदि हम चाहें तो हम चट्टान के अंदर, चट्टान को तोड़कर भी रास्ता बना सकते हैं। इसलिए हे साथी, तुम एक दूसरे की सहायता करो। फिर कह रहे हैं मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। क्या कह रहे हैं, जो मेहनत है वह हमारी क्या है, भाग्य की रेखा है, क्योंकि हम मेहनत करेंगे तभी हमारा भाग्य बनेगा। तो हमें फिर मेहनत से क्यों डरना, अर्थात हमें मेहनत करनी ही चाहिए। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। कल हमने दूसरों के लिए तो बहुत कार्य किए, अब हमें जब अपने लिए ही कार्य करना है तो अपना दुख, तो फिर उससे क्यों डरना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। और आपने देखे होंगे सुख दुख तो क्या है, आपस में एक दूसरे के साथ लगे रहते, क्योंकि जो दुख तुम्हारा है वही दुख हमारा है, जो सुख हमारा है वही सुख आपका है। तो हमारे जो सुख दुख है वह क्या है, एक ही है। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। और हमारी जो मंजिल है, जो रास्ता है वह कैसा है, सच्चाई का रास्ता है। और जो अपना रास्ता नेक, और जो हमारा रास्ता है वह कैसा है, नेक है, अच्छा है। तो इसलिए हे साथी क्या करो, एक दूसरे की सहायता करो। फिर कह रहे हैं कि एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। आपने देखा होगा छोटी छोटी बूंदें जब मिलती जाती हैं तो वही क्या बन जाती हैं, दरिया बन जाती हैं, अर्थात नदी। और एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। और आपने देखा होगा सहरा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक एक मोती को पिरोते जाते हैं, उसको सजाते जाते, तो वही क्या बन जाता है, सहरा बन जाता है। ऐसे एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। छोटी छोटे
जो रेत वगैरह है वो इकट्ठी होती जाए, होते होते वही एक दिन क्या बन जाता है, पर्वत बन जाता है। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिल जाए तो वह क्या कर सकता है, अपनी किस्मत को भी बस में कर सकता है। साथी हाथ बढ़ाना इसलिए क्या है, आप एक दूसरे की सहायता करो, हे साथी हाथ बढ़ाओ अर्थात सहायता करो। अब देखते हैं गीत से, इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो। इस गीत की निम्नलिखित पंक्तियों को हम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हैं। हमने पढ़ा था साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया, फौलादी हैं सीने अपनी फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें। ये क्या है, आसपास की जिंदगी में घटती रहती हैं। अब है सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया, साहिर ने ऐसा क्यों कहा है। साहिर ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि एक साथ मिलकर काम करने से बड़ी बाधाओं में भी रास्ता निकल आता है, यानी काम आसान हो जाता है। साहसी व्यक्ति सभी बाधाओं पर आसानी से विजय पा लेता है क्योंकि एकता और संगठन में शक्ति होती है जिसके बल पर वह पर्वत और सागर को भी पार कर लेता है। गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है, तो गीत में सीने और बाहों को फौलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे इरादे मजबूत हैं, हमारे बाजुओं में अपार शक्ति है, हम ताकतवर हैं, हम बलवान हैं। हमारी बाहें फौलादी इसलिए भी हैं कि इसमें असीम कार्य क्षमता का पता चलता है, हमारी बाजुएं काफी शक्तिशाली भी हैं। अब है गीत से आगे, अपने आसपास तुम किसे साथी मानते हो और क्यों, इससे मिलते जुलते कुछ और शब्द पूछकर लिखो। हमारे माता पिता, भाई बहन, मित्र, सहपाठी, शिक्षक, पड़ोसी, ये सभी हमारे साथी हैं क्योंकि ये सब हमें किसी ना किसी रूप में सहयोग करते हैं। साथी से मिलते जुलते शब्द हैं जैसे सहायक, सखा, संगी, सहचर, सुखचिंतक, मित्र, मीत आदि। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। कक्षा, मोहल्ले और गांव शहर के किस किस तरह के साथियों के बीच तुम्हें इस वाक्य की सच्चाई महसूस होती है और कैसे। कुछ बातों के संबंध में हम अपने साथियों से जुड़े होते हैं, इन मामलों में हमारी सोच एक होती है और हमारे सुख दुख की अनुभूति भी एक होती है। उदाहरण के लिए पानी, बिजली की कमी, ट्रैफिक जैसी रोजमर्रा की मुश्किलों से जब हमारा सामना होता है तो हमें लगता है जैसे हमारा दुख एक ही है। वही दूसरी ओर विद्यालय की किसी पदक जीतना, कक्षा में अच्छे अंक लाना और बड़े होकर कुछ बनने की चाह से पता चलता कि हमारा सुख भी एक ही है। इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो, इस गीत को हम स्वतंत्रता दिवस पर, गणतंत्र दिवस पर या किसी संगठन की स्थापना के अवसर पर गा सकते हैं। खेल के मैदान में भी यह गीत खिलाड़ियों में जोश पैदा कर सकता है। वैसे तो यह गीत कभी भी गुनगुनाया जा सकता है पर विशेषकर जब सहयोग और संगठन की शक्ति बतानी हो तब यह गीत महत्व रखता है। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो। हम अपने घर के छोटे बड़े कामों में माता पिता का हाथ बटाकर इस बात का ध्यान रख सकते हैं। पापा के काम और माँ के काम क्या क्या हैं? पापा और माँ को बहुत से काम करने होते हैं, जहाँ एक और पापा कार्यालय जाते हैं और घर के लिए आवश्यक बाहरी कामों का ध्यान रखते हैं, वहीं माँ घर की सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोना, हम सबों को पढ़ाना, खरीदारी करना और कई छोटे बड़े कामों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती हैं। क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं? हाँ, वे इन कामों में एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। यदि तुमने नया दौर फिल्म देखी है तो बताओ कि यह गीत फिल्म में कहानी के किस मोड़ पर आता है। यदि तुमने फिल्म नहीं देखी है तो फिल्म देखो और बताओ।
नया दौर फिल्म में जब कच्ची सड़क को पक्का करने के लिए सब मिलजुल कर काम करते हैं तब यह गीत आता है। यह गीत उनके सहयोग, उत्साह और जोश को प्रदर्शित करता है। अब है कहावतों की दुनिया। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता और एक मिलकर 11 होते हैं। ऊपर लिखी कहावतों का अर्थ गीत की किन पंक्तियों से मिलता जुलता है? एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, फिर है एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। इन दोनों कहावतों का अर्थ कहावत कोश में देखकर समझो और उनका वाक्य में प्रयोग करो। अब एक और है आपका, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। भले ही तुम बलवान और बहादुर हो पर अकेले दुश्मनों का सामना नहीं कर सकते। तुम्हें पता है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। अब है एक और एक मिलकर 11 होते हैं। अगर हम मिलकर युद्ध करें तो हमारी विजय निश्चित है। आखिर एक और एक 11 होते हैं। नीचे हाथ से संबंधित कुछ मुहावरे दिए गए हैं, इनके अर्थ समझो और प्रत्येक मुहावरे से वाक्य बनाओ। हाथ को हाथ ना सूझना, हाथ साफ करना, हाथ पैर फूलना, हाथों हाथ लेना, हाथ लगना। सबसे पहला है हाथ को हाथ ना सूझना। बिजली चली जाने के बाद इतना अंधेरा हो गया कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। फिर है हाथ साफ करना। मौका मिलते ही चोर ने गहर नोह पर अपना हाथ साफ कर दिया। फिर है हाथ पैर फूलना। पुलिस को देखकर चोर के हाथ पैर फूल गए। हाथों हाथ लेना। नई किताब के बाजार में आते ही सबने उसे हाथों हाथ लिया। हाथ लगना। तुम नहीं जान सकते कि कितने इंतजार के बाद यह इनामी राशि मेरे हाथ लगी है। भाषा की बात। हाथ और हस्त एक ही शब्द के दो रूप हैं। नीचे दिए गए शब्दों में हस्त और हाथ छिपे हैं। शब्दों को पढ़कर बताओ कि हाथों का इनसे क्या काम है। हाथ घड़ी, हथौड़ा, हस्त शिल्प, हस्तक्षेप, निहत्था, हथकंडा, हस्ताक्षर, हथकरघा। हाथ घड़ी। हाथ घड़ी हाथ की कलाई पर पहनी जाती है। हथौड़ा एक ऐसा लोहे का औजार है जिसे हाथ से पकड़कर चलाया जाता है। फिर है हस्तशिल्प। इस शिल्प कार्य को हस्त से किया जाता है। हस्तक्षेप बीच बचाव करने के लिए इसका अर्थ है दखल देना। निहत्ता जिसके हाथ में कोई हथियार ना हो उसे हम निहत्ता कहते हैं। हथकंडा किसी कार्य को पूरा करने के लिए अनुचित तरीका अपनाने को हथकंडा कहते हैं। इसमें भी हाथ का कार्य नहीं है। हस्ताक्षर हाथ से अपना नाम लिखकर किसी कार्य हेतु स्वीकृति देना हस्ताक्षर कहलाता है। हथकरघा हाथ से किए जाने वाले छोटे मोटे उद्योग धंधे जैसे चरखा चलाना, कपड़ा बुनना, टोकरी बुनना आदि हथकरघा के अंतर्गत आते हैं। इस गीत में पर्वत, शीश, रास्ता, इंसा जैसे शब्दों के प्रयोग हुए हैं। इन शब्दों के प्रचलित रूप लिखो। पर्वत मतलब होता पहाड़, पर्वत। शीश मतलब होता शीश, सिर, माथा। रास्ता मतलब होता रास्ता, राह। इंसा मतलब होता इंसान, मनुष्य। कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना, इस वाक्य को गीतकार इस प्रकार कहना चाहता है। तुमने कल गैरों की खातिर मेहनत की, आज तुम अपनी खातिर करना। इस वाक्य में तुम करता है जो गीत की पंक्ति में छंद बनाए रखने के लिए हटा दिया गया है। उपर्युक्त पंक्ति में रेखांकित शब्द अपनी का प्रयोग करता तुम के लिए हो रहा है, इसलिए यह सर्वनाम है। ऐसे सर्वनाम जो अपने आपके बारे में बताएं निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निज का अर्थ है अपना होता है। निजवाचक सर्वनाम के तीन प्रकार होते हैं जो नीचे दिए वाक्यों
में रेखांकित हैं। मैं अपने आप या आप घर चली जाऊंगी। बप्पन अपना काम खुद करता है। सुधा ने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। अब तुम भी निजवाचक सर्वनाम की निम्नलिखित रूपों का वाक्यों में प्रयोग करो, जैसे अपने को, अपने से, अपना, अपने पर, अपने लिए, आपस में। सबसे पहले अपने को, हमें अपने को दुश्मन से बचाना है। अपने पर, मुझे अपने पर भरोसा है। अपने से, अपने से बड़े व्यक्तियों की बात माननी चाहिए। अपने लिए, हमें अपने लिए कुछ वक्त निकालना चाहिए। अपना, आप इसे अपना ही समझिए। आपस में, आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। कुछ करने को, बातचीत करते समय हमारी बातें हाथ की हरकत से प्रभावशाली होकर दूसरे तक पहुंचती हैं। हाथ की हरकत से या हाथ के इशारे से भी कुछ कहा जा सकता है। नीचे लिखे हाथ के इशारे किन अवसरों पर प्रयोग होते हैं, लिखो। क्यों पूछते हाथ, मना करते हाथ, समझाते हाथ, बुलाते हाथ, आरोप लगाते हाथ, चेतावनी देते हाथ, जोश दिखाते हाथ। अब सबसे पहले हम लेते हैं क्यों पूछते हाथ का प्रयोग हम किसी से प्रश्न करते समय करते हैं। मना करते हाथ, किसी की बात को मना करने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। बुलाते हाथ, किसी को बुलाने के लिए किया गया हाथों का प्रयोग, उसे हम क्या कहते हैं, बुलाते हाथ। आरोप लगाते हाथ, किसी पर दोष मढ़ते समय हाथ की उंगली का इशारा ही आ जाएगा, आरोप लगाते हाथ। जोश दिखाते हाथ, जोश दिखाने के लिए दोनों हाथों का इशारा करते हैं। समझाते हुए हाथ, हम हाथ के संकेत से समझाते हैं। चेतावनी देते हाथ, किसी काम के परिणाम के विषय में आगाह करते समय। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस गीत से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।